वी आर स्टार्टिंग विथ अवर फर्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन शोल्डर. ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे शोल्डर कॉम्प्लेक्स. और बेसिकली ये जो टॉपिक है ये सिंथिया नॉर्किंस वाली बुक से है. बायोमैकेनिक्स सब्जेक्ट को ये बिलोंग करता है. ठीक है, बायोमैकेनिक्स में. अब बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? देखो, मैकेनिक्स तो आप सब जानते ही हो, फिजिक्स की एक ब्रांच है. और बायो मतलब मेडिकल, मतलब हम बॉडी में जो भी मैकेनिक्स वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, जितनी भी हम सारी फोर्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं वो कहलाती है बायोमैकेनिक्स. अब इसको मैंने शोल्डर जॉइंट क्यों नहीं कहा है, इसको मैंने शोल्डर कॉम्प्लेक्स क्यों कहा है? क्योंकि देखो, अभी तक हम पढ़ते थे कि शोल्डर जॉइंट क्या होता है, हम जब ये सुनते थे हमारे मन में आता था ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट. बट अब हमको कुछ नया पता चलने वाला है. हमको पता चलेगा कि शोल्डर जॉइंट सिर्फ ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट नहीं होता है, इसके अलावा ये और भी जॉइंट्स का एक मिक्सचर होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है. तो इसी चीज़ को पढ़ने के लिए हम बहुत सारे पार्ट्स में पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, अलग अलग मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे. ठीक है, तो शोल्डर कॉम्प्लेक्स के कम 10 पार्ट होने वाले हैं. तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं पार्ट वन. ठीक है, दिस इज पार्ट वन ऑफ अ शोल्डर कॉम्प्लेक्स. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो, सबसे पहले ये जान लो कि शोल्डर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बनता है चार जॉइंट से, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा गया है. देखो, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर जॉइंट्स. एक होता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, लिख लो इसको साथ में. एक होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एक होता है आपका ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, और एक होता है आपका स्कैप्युलो थोरेसिक जॉइंट. मैं आपको बताऊंगा फिगर में कि ये जॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं, हम हर जॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे. बट आज जो हमारा फर्स्ट पार्ट में जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा इसको पढ़ना, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के बारे में पढ़ना. तो देखो, जो जॉइंट हमारा स्टर्नम और हमारे क्लेविकल के बीच में बनता है उसको बोलते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट. जो जॉइंट हमारा स्कैपुला का एक्रोमियन और क्लेविकल का लेटरल एंड से मिलके बनता है वो कहलाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट. जो जॉइंट हमारा स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरल का हेड से बनता है वो कहलाता है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट. और जो जॉइंट हमारा स्कैपुला और थोरैक्स से मिलके पीछे पीठ पे बनता है वो कहलाता है स्कैपुलो थोरेसिक जॉइंट. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट योर स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट. उस पर आने से पहले एक चीज़ जो हमें पता होना चाहिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि शोल्डर में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है या मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि शोल्डर में हमेशा मोबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी. इसमें जितने ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं ना उतनी कम इसमें स्टेबिलिटी होती है. एंड देयरफॉर इट इज़ द मोस्ट कॉमन जॉइंट टू डिसलोकेट होने के लिए. ये बहुत कॉमन जॉइंट होता है बॉडी में, सबसे ज़्यादा डिसलोकेट ये होता है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी जो है कम होती है. अब इसका रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों कम होती है. कोई पूछ सकता है ना कि भैया क्यों कम होती है, तो ये बताना कि जो हमारा स्कैपुला में जो ग्लिनोइड कैविटी होती है और ये आपका ह्यूमरल हेड है, तो ग्लिनोइड कैविटी जो है ना वो इतनी डीप नहीं होती है, वो थोड़ी सी स्टीप होती है, स्लोप जैसी होती है. ठीक है, जितनी डीप या जितनी गहराई में वो होना चाहिए वैसे होती नहीं है. उसके कारण क्या होता है, जो ह्यूमरल हेड है ये स्लिप कर जाता है उससे नीचे की तरफ. एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर योर लैक ऑफ स्टेबिलिटी. ठीक है, नो डाउट ये आपको मोबिलिटी प्रोवाइड करवा देती है बट विथ कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी. सो दिस इज़ द रीज़न वाई मोबिलिटी इन शोल्डर इज मच मोर ग्रेटर देन स्टेबिलिटी. ये याद रखना. अब मैंने आपको बताया था कि स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट जो आपका होता है, देखो दिस इज योर स्टर्नम सपोज एंड दिस इज योर क्लेविकल. सो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट अकेला एक ऐसा जॉइंट है जिसने आपके पूरे के पूरे अपर लिम को जोड़ के रखा है पूरे के पूरे थोरैक्स के साथ. ठीक है, इसका मतलब देखो, अपर लिम को हम कौन सा स्केलेटन बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन, और थोरैक्स को हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन. ये पता होना चाहिए. ठीक है, देयरफॉर एक्सियल स्केलेटन इज कनेक्टेड टू अपेंडिकुलर स्केलेटन विद द हेल्प ऑफ स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट. ये याद रखना. ठीक है, चलो इन चीज़ों को नोट कर लो. मैं आखिरी में आपको एक इमेज भी दिखा दूंगा मेरे नोट्स की, जिससे आपके नोट्स बना सकते हो उसको कॉपी करके. अभी सिर्फ ध्यान से सुनना है. ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं मेनली, अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट जॉइंट जो कि है हमारा स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं एकदम शॉर्ट वीडियो. तो चालू करते हैं.
पहला पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इट इज़ द जॉइंट विच सर्व एज द स्ट्रक्चरल अटैचमेंट ऑफ योर एक्सियल स्केलेटन टू योर अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन को आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन से जिसने जोड़ के रखा है वो था आपका स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। इसके अलावा आप देखो ये जॉइंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है, आपको पता है ये आपके स्टर्नम है और ये आपका क्लेविकल है और यहाँ से अटैच है आपका हेड ऑफ ह्यूमरस, आपका स्कैपुला यहाँ पे अटैच है। इसका मतलब कोई भी मूवमेंट अगर स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट पे होगा तो क्लेविकल पे मूवमेंट होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा। अगर क्लेविकल पे मूवमेंट होगा तो क्लेविकल कहाँ पे अटैच है, यहाँ पे कौन सा जॉइंट बन रहा है, एक्रोमियो क्लेविकुलर, मतलब इस पर भी मूवमेंट होगा, है ना। और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट से जुड़ा हुआ है आपका स्कैपुला, मतलब स्कैपुला पे भी मूवमेंट होगा। इसका मतलब देखो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट पे कोई भी मूवमेंट आपके स्कैपुला पे होने वाले मूवमेंट को अफेक्ट करता है, आपके स्कैपुला पे होने वाले मूवमेंट को अफेक्ट करता है, ये चीज याद रखना। इसको हम आगे डिटेल में और लेने वाले हैं, ठीक है। चलो आई होप इतना समझ में आ गया हो। अब हम चालू करते हैं टाइप ऑफ जॉइंट। हमें कभी भी लिखना पड़ता है, हमको भी जॉइंट को जब लिखते हैं ना तो हमें लिखना पड़ता है कि विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इट। सबसे पहले टाइप ऑफ जॉइंट में हम लिखेंगे कि इट इज़ अ प्लेन साइनोवियल जॉइंट। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कैसा होता है, प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है ये। अब साइनोवियल का मतलब क्या होता है, आपको पता है जॉइंट्स क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा कि एक क्लासिफिकेशन साइनोवियल जॉइंट्स का होता है जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है जो हमारे जॉइंट को फ्रिक्शनलेस सर्फेस प्रोवाइड करता है, तो उन जॉइंट्स को हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। तो ये प्लेन वेराइटी का है, ठीक है। इसका मतलब ये कोई बॉल एंड सॉकेट टाइप का नहीं है, ये सैडल टाइप का नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन जॉइंट है। प्लेन का मतलब होता है कि इसके दोनों सर्फेसिस कैसे है, बिल्कुल प्लेन, समझो कि ये एक सर्फेस है और ये एक सर्फेस है, तो ये जो जॉइंट है ये कहलाता है प्लेन साइनोवियल जॉइंट। तो इसी टाइप का होता है हमारा स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, देखो आप देख पा रहे हो पूरा प्लेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ जॉइंट। आपको इसमें लिखना पड़ते हैं इसके आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस, हमारी ये बेसिक चीज़ है, हमको थ्योरी में ऐसा लिखना ही पड़ता है। सबसे पहले टाइप ऑफ जॉइंट लिखो, फिर लिखो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस। अब आर्टिकुलेटिंग सर्फेस हमें पता होना चाहिए। अब देखो वापस मैं आपको स्टर्नम ड्रॉ कर देता हूँ, प्यारा सा, मतलब प्यारा सा तो नहीं है पर जैसा भी यार काम चला लो यार क्या करें अब। और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक प्यारी सी नन्नी मुन्नी क्लेविकल, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस। तो पहले तो याद रख लो कि इसके जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होते हैं, इसके जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होते हैं वो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सैडल शेप। क्या बोलेंगे, सैडल शेप। सैडल शेप के प्लेन आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ये होते हैं इसके, ठीक है। विच इज फॉर्म बाय द मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल। वट इज दिस, दिस इज द मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल, एंड वट इज दिस, दिस इज योर मैनुब्रियम, ठीक है। तो यह मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल और आपका मैनुब्रियम में ये जो नॉच है इससे मिलके जॉइंट बन रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये द स्टर्नो क्लेविकुलर आर्टिकुलेटिंग सर्फेस कंसिस्ट ऑफ टू सैडल शेप सर्फेसेस। टू क्यों, क्योंकि एक क्लेविकल का और एक मैनुब्रियम का, इसलिए दो होते हैं। वन एट द स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल, इस एंड को क्या बोलते हैं हम, स्टर्नम के पास में है ना ये, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल, जो स्टर्नम के पास में है। एंड वन फ्रॉम द नॉच फॉर्म बाय द मैनुब्रियम, देखो ये नॉच जो बन रहा है, ठीक है, ये आपके दो सर्फेसेस इसमें फॉर्म हो रहा है। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे बहुत क्लियरली इसमें दिखाई दे रही है एक चीज कि देखो हमारा जो क्लेविकल का अपर एंड है वो आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है। अपर एंड जो होता है आपके क्लेविकल का वो आर्टिकुलेट नहीं करता है, नहीं करता है आर्टिकुलेट, मतलब देखो अपर एंड इसका एक्सपोज्ड है और वो इसलिए एक्सपोज्ड है क्योंकि वहाँ पे अटैच होता है एक लिगामेंट, उस लिगामेंट का नाम होता है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, याद रखना इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। देखो कितना इजी है क्योंकि दो क्लेविकल को आपस में जोड़ा है, तो जो लिगामेंट दो क्लेविकल के बीच में होता है वो कहलाता है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, और इसका काम होता है कि आपके क्लेविकल को डिप्रेस होने से बचाता है, आपके क्लेविकल को नीचे जाने से बचाता है, ठीक है, मतलब इट प्रिवेंट्स द डिप्रेशन ऑफ योर क्लेविकल। तो ये चीज़ याद रखना इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट के बारे में, ठीक है।
और इसी के कारण आपके जो अपर एंड होते हैं क्लेविकल के, वो आर्टिकुलेट नहीं करते हैं, वो एक्सपोज्ड होते हैं, क्योंकि अगर वो भी आर्टिकुलेट करने लग जाए तो फिर इंटरक्लेविकल लिगामेंट कहाँ अटैच होगा, अटैच ही नहीं हो पाएगा ना। एंड देयरफॉर दिस इज द रीज़न ऑफ योर अपर आर्टिकुलर सर्फेस बीइंग एक्सपोज्ड, ये याद रखना। अब इससे क्या होता है, देखो ये सर्फेस जब एक्सपोज रहते हैं ना, तो इससे इनकॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। इनकॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का कम हो जाना। और कॉन्ग्रुएंसी का कम हो जाने का मतलब होता है कि आपका जॉइंट अनस्टेबल हो जाता है। देखो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट भी एक अनस्टेबल जॉइंट होता है, इसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है, ये भी डिसलोकेट हो सकता है, ये याद रखना ठीक है। और इस चीज़ से बचने के लिए इसमें क्या क्या गेम्स खेले जाते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है, ये आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए बस इतना याद रखूँ। चलो ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि किस टाइप का ये जॉइंट होता है, इसके आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस कैसे होते हैं, इसका अपर एंड एक्सपोज होता है, इसके बीच में जो लिगामेंट कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इतना अभी तक हम पढ़ चुके हैं ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, टाइप्स और आर्टिकुलेटिंग सर्फेस के बाद जो सेकेंड टाइप है आपका वो है, हम पढ़ेंगे स्टर्नो क्लेविकुलर डिस्क के बारे में। अब देखो डिस्क, हमें पता है सारे जॉइंट्स के बीच में डिस्क होती है, क्यों होती है, उस जॉइंट्स को डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए, फ्रिक्शन कम करने के लिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं डिस्क के। उसी तरह स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में भी एक डिस्क होती है। अब देखो ये आपकी थी क्लेविकल फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आपका निकलता है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है ना, आपका रिब, और यहाँ पे था आपका स्टर्नम ठीक है, ये आपकी थी स्टर्नम। इसके बीच में देखो दिस इज योर क्लेविकल एंड दिस इज योर स्टर्नम, मतलब दिस इज योर स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, तो बिल्कुल इसी जगह पे, बिल्कुल इसी जगह पे ये होती है आपकी डिस्क। देखो इस तरीके से एक एंड इसका इधर अटैच होता है और एक एंड इसका इधर अटैच होता है, दिस इज योर स्टर्नो क्लेविकुलर डिस्क। अब इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये जो डिस्क होती है ये फाइब्रो कार्टिलेजिनियस बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, फाइब्रो कार्टिले जीनियस, क्योंकि ये फाइबर्स की बनी हुई है, इसमें जो फाइबर्स है वो मतलब ऐसे है कि जो मूवमेंट ज़्यादा आपको प्रोवाइड ना करे। फाइब्रो कार्टिलेजिनस का मतलब क्या होता है, जिसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में एकदम एक्सेसिव मूवमेंट नहीं हो पाता है, कुछ अमाउंट में हो पाता है ठीक है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, ये फाइब्रिन फाइबर्स की बनी हुई है। इस ये क्यों होती है डिस्क, ये डिस्क इसलिए होती है जिससे कि आपके क्लेविकल और स्टर्नम के बीच की कॉन्ग्रुएंसी बढ़ जाए, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कॉन्ग्रुएंसी कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि अपर एंड एक्सपोज होते हैं, तो उस कॉन्ग्रुएंसी को भरने के लिए कौन काम करेगा, किसी ना किसी को तो काम करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए काम करती है कंपनसेशन की तरह आपकी ये डिस्क, और इसलिए डिस्क होती है। तो इस डिस्क का फंक्शन क्या होता है, इट इंक्रीजेस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी किसके बीच में, बिन बिटवीन द क्लेविकल एंड स्टर्नम ठीक है, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं इस डिस्क के अटैचमेंट की ठीक है, इस डिस्क का अटैचमेंट कहाँ होता है, बहुत ही ईजी है समझना ध्यान से। इस डिस्क का जो अपर पोर्शन, जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो इस डिस्क का ये जो अपर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है ठीक है, तो ये जो अपर पोर्शन है डिस्क का ये वाला, ये कहाँ अटैच है, क्या दिख पा रहे हो, आपको क्या दिख रहा है, सुपीरियर क्लेविकल पे, ये क्या है आपकी, ये हिस्सा आपका क्या है, सुपीरियर क्लेविकल ठीक है। तो इस डिस्क का जो अपर पोर्शन है वो अटैच होता है आपकी सुपीरियर क्लेविकल पे, और ये जो लोअर पोर्शन है आपका ये अटैच होता है आपके मैनुब्रियम पे, मैनुब्रियम पे प्लस आपके फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज में, क्योंकि देखो ये क्या है आपका कोस्टल कार्टिलेज, और ये आपका मैनुब्रियम और ये रहा आपका लोअर पोर्शन। सो अपर पोर्शन इज अटैच टू द पोस्टेरो सुपीरियर क्लेविकल एंड योर लोअर पोर्शन ऑफ द डिस्क इज अटैच टू मैनुब्रियम एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब ये डिस्क क्या करती है, देखो अब जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, डिस्क ने क्या किया है, डिस्क ने आपके इस पूरी कैविटी को, इस स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट की कैविटी को दो हिस्सों में बांट दिया है, कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं। अब ये डिस्क जो होती है ना, इसको मैं दुबला बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, दुबला, दुबला का मतलब क्या होता है, बायस्ड, बायस्ड का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ रोल प्ले करने वाला अब देखो ये दोनों तरफ कैसे रोल प्ले करती है, बहुत ही ईजी है। ये डिस्क कुछ मूवमेंट्स के लिए एज अ क्लेविकल का पार्ट बन जाती है और कुछ मूवमेंट के लिए एज अ मैनुब्रियम का पार्ट बन जाती है, मतलब ये डिस्क किसी की सगी नहीं है, ये धोखा दे देती है, कभी मैनुब्रियम को कभी स्टर्नम को, कभी बोलती है कि भैया स्टर्नम में तेरा हिस्सा हूँ, कभी बोलती है मैनुब्रियम भैया मैं तेरा हिस्सा हूँ, ऐसा ये दोनों की तरफ खाती है, इसलिए इसको मैंने बायस्ड बोला है।
अब देखो ये हमको समझ में आना बहुत जरूरी है। अब ये डिस्क मैन्यूब्रियम का पार्ट कब फॉर्म करेगी, ये मैन्यूब्रियम का पार्ट फॉर्म करती है ड्यूरिंग मोशंस ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। मतलब जब भी हमारे क्लेविकल पे एलिवेशन और डिप्रेशन होता है, मतलब जब भी हमारी क्लेविकल, समझो ये हमारी नॉर्मल क्लेविकल है, जब भी ये क्लेविकल ऊपर जाती है या नीचे जाती है, जब भी हम मूवमेंट करते हैं, जैसे समझो हम अबडक्शन कर रहे हैं या फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो हमारी क्लेविकल कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है ना। तो जब भी हमारे क्लेविकल पे डिप्रेशन या एलिवेशन के मूवमेंट होते हैं, तो ये डिस्क किसका पार्ट फॉर्म करती है, मैन्यूब्रियम का। ये बोलती है कि भैया मैं तो मैन्यूब्रियम का हिस्सा हूँ। बट जैसे ही हम मूवमेंट करते हैं, कौन से वाले, ये वाले प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, मतलब क्लेविकल का आगे जाना और पीछे जाना। फॉर एग्जाम्पल आप आपके शोल्डर को आगे की तरफ मूव करो, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोट्रैक्शन। आपके शोल्डर को पूरा रिट्रैक्ट कर लो, मतलब पूरे पीछे की तरफ खींच लो आपके शोल्डर्स को, तो एक लाता है रिट्रैक्शन। सो इन मूवमेंट्स में, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन वाले मूवमेंट में, ये डिस्क पार्ट फॉर्म करती है क्लेविकल का। तो ये होती है बायोमैकेनिक्स, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वापस से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि दिस स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क फॉर्म्स द पार्ट ऑफ मैन्यूब्रियम ड्यूरिंग एलिवेशन एंड डिप्रेशन मूवमेंट, एंड दिस स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क फॉर्म्स द पार्ट ऑफ क्लेविकल ड्यूरिंग प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से ये बायस्ड रोल प्ले करती है ये डिस्क हमारी। और ये डिस्क एक पाइवटिंग जॉइंट फॉर्म करती है, क्योंकि जो भी हमारे मूवमेंट्स होना है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे, उसमें डिस्क भी तो ट्विस्ट करेगी कि नहीं, बिल्कुल करेगी, ठीक है। तो एक पाइवटिंग की तरह ये काम करती है और मोशंस को हेल्प कराने में, मोशन को कराने में हेल्प करती है और आपकी कॉन्ग्रुएंसी को बढ़ाने में हेल्प करती है। इसके अलावा देखो इसका सबसे एक मेजर काम क्या होता है डिस्क का, जितना भी फोर्स, जितना भी मीडियली डायरेक्टेड फोर्स आ रहा है हमारे अपर लिम्ब से, अपर लिम्ब से जो भी फोर्स आता है, ये उसको उतारने का काम करती है हमारे स्टर्नम पे। मतलब देखो क्लेविकल से आने वाले फोर्स को ये किस में ट्रांसफ़र करती है, मैन्यूब्रियम में। मैन्यूब्रियम से फोर्स जाएगा नीचे स्टर्नम में, स्टर्नम से आपके थोरैक्स में। तो इस तरीके से इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो अब एज अ होल अगर मैं समअप करवाऊँ आपको, तो देखो अब आपको स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क के बारे में कितनी चीज़ें पता है। पहली बात तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी को इंक्रीज करती है। दूसरी बात आपने पढ़े इसके अटैचमेंट्स, अपर पोर्शन का अलग, लोअर पोर्शन का अलग। फिर थर्ड आपने पढ़ा इस डिस्क के बारे में कि ये पार्ट्स फॉर्म करती है अलग अलग, जिसमें आप एक चीज़ याद रखना बायस्ड, ठीक है, किस तरीके से वर्क करती है। और फोर्थ हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। तो इसके फंक्शंस क्या थे, कॉन्ग्रुएंसी को बढ़ा के रखना, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को इंक्रीज करना, और जो आपको क्या बोलते हैं उसको, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो भी आपका अपर लिम्ब से, क्लेविकल से जो वेट आ रहा है, उसको ये पूरा थोरैक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवा देती है, ठीक है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी और वेट डिस्ट्रीब्यूशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये हो गई आपकी डिस्क। तो चलो अभी तक बिल्कुल एक शॉर्ट आपको रिकैप देता हूँ मैं। तो हमने पढ़ा सबसे पहले स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जिसे हमने चालू किया था, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ये किस टाइप का जॉइंट था, ठीक है, याद आ जाना चाहिए, प्लेन साइनोवियल जॉइंट था, है ना। फिर हमने पढ़े थे इसके आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस, याद आ जाना चाहिए, शेडल शेप, क्लेविकल किसे और स्टर्नम के बीच में बन रहा था ये जॉइंट, है ना, अपर एंड एक्सपोज था, उसके बीच में इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच था, सारी चीज़ें क्लिक होना चाहिए अपने आप दिमाग में। फिर थर्ड हमने पढ़ा स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टर्नोक्लेविकुलर कैप्सूल एंड लिगामेंट्स के बारे में। तो चलो शॉर्ट में देख लेते हैं कि कैप्सूल लिगामेंट्स के बारे में कितनी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। इसका जो कैप्सूल होता है फाइबरस कैप्सूल होता है, सिर्फ इसका ही नहीं, हर जॉइंट का कैप्सूल फाइबरस ही होता है, ठीक है। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो आपका होता है, उसको सराउंड करने वाला जो कैप्सूल है, वो फाइबरस कैप्सूल है, जो पूरे जॉइंट को चारों तरफ से सराउंड करके रखा है। और कैप्सूल का काम क्या होता है, कैप्सूल भी स्टेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस कॉन्ग्रुएंसी एंड इट एनहांसेस योर जॉइंट स्टेबिलिटी। इसके अलावा इसमें जो लिगामेंट्स होते हैं, एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, पहला लिगामेंट इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, जिसका काम क्या था, इट प्रिवेंट्स डिप्रेशन ऑफ क्लेविकल, याद है ना, हमने पढ़ा था। सेकेंड जो लिगामेंट होता है वो होता है कॉस्टो क्लेविकुलर, मतलब कि देखो ये आपकी क्लेविकल थी और ये आपका कोस्टल कार्टिलेज था और ये आपका स्टर्नम था। तो जो लिगामेंट आपके क्लेविकल से कोस्टल कार्टिलेज पर अटैच है, वो कहलाता है कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट।
और थर्ड लिगामेंट हमारा जो होता है वो होता है स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। बहुत ही सिंपल है, जो लिगामेंट हमारा स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में है वो कहलाएगा स्टर्नोक्लेविकुलर, जो लिगामेंट हमारा क्लेविकल और कोस्टल कार्टिलेज के बीच में है वो कहलाएगा कोस्टोक्लेविकुलर, और जो लिगामेंट हमारा दो क्लेविकल के बीच में है वो कहलाएगा इंट्राक्लेविकुलर या इंटरक्लेविकुलर। ठीक है, तो दिस आर द थ्री लिगामेंट्स ऑफ ए स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, इंटरक्लेविकुलर, कोस्टोक्लेविकुलर और स्टर्नोक्लेविकुलर। तीनों का काम क्या होता है? जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, एक्सेसिव मूवमेंट से जॉइंट को बचाना, ये काम इनका होता है लिगामेंट्स का। ठीक है, अब हम आते हैं मोशंस में। हमें पता होना चाहिए कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे टोटल कितने मोशंस होते हैं। ठीक है, तो चलो मोशंस के बारे में देख लेते हैं। मोशंस को मैं बोलता हूँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसमें होती है तीन रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम और तीन ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशन का मतलब होता है ऐसे मूवमेंट्स जो कि एक प्लेन में हो रहे हो, और रोटेशन का मतलब होता है ऐसे मूवमेंट जो कि घुमावदार हो, मतलब जो आपके जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो होते हैं ये सब रोटेटरी मोशंस कहलाते हैं, जबकि ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स सिर्फ फिसलने जैसे होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके दोनों हाथों को चिपका लो और एक दूसरे के ऊपर रफ करो आपके हाथों को, तो वो कहलाते हैं ट्रांसलेटरी मूवमेंट। तो ट्रांसलेटरी मूवमेंट बहुत सिंपल होते हैं, देखो या तो मीडियल या तो लेटरल, है ना, ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, या तो एंटीरियर या तो पोस्टीरियर, या तो सुपीरियर या तो इन्फीरियर। तो ये होते हैं आपके ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीडियल लेटरल, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड सुपीरियर इन्फीरियर। बट अगर मैं बात करता हूँ रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो ये थोड़े से अलग होते हैं। इसमें देखो आपकी आपको इमेजिन करना आपके क्लेविकल पे क्या क्या हो सकता है। एलिवेशन हो सकता है, यस, तो डिप्रेशन तो हो ही सकता है ना। प्रोट्रैक्शन होता है क्लेविकल पे, यस बिल्कुल होता है, तो डिट्रैक्शन भी होगा, है ना। इसके अलावा आपके क्लेविकल पे पता एंटीरियर रोटेशन और पोस्टीरियर रोटेशन भी होता है, ये आगे आपको और डिटेल में पता चलेगा। अब एक बस इतना याद रखो कि आपकी जो क्लेविकल है वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे क्या क्या मोशंस दिखाती है। अगर हम बात करते हैं रोटेटरी मोशंस की, तो उसमें आपको बेसिकली तीन मोशंस मिलते हैं। ठीक है, एलिवेशन, डिप्रेशन, मतलब क्लेविकल ऊपर उठती है, नीचे जाती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, आगे की तरफ घूमती है, पीछे की तरफ घूमती है। तो ये था आपके रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ट्रांसलेटरी में ये वाले तीन थे। ठीक है, मीडियल लेटरल मतलब आजू बाजू, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऐसे इसको याद रख लेना। ठीक है, तो दिस आर द थ्री रोटेटरी एंड थ्री ट्रांसलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो कि आपको मिलता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे। लास्ट में एक बार क्विक रिकैप दे दूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद हम मोशंस के बाद हम आते हैं फाइनली एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस टॉलरेंस। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये जॉइंट जो है ये हाईली इनकॉन्ग्रुएंट है, तो इतना इनकॉन्ग्रुएंट होने के कारण ये तो इजीली डिसलोकेट हो जाना चाहिए था, बट क्यों नहीं होता है? कुछ तो चीज़ में ऐसी है ना जिसके कारण ये जॉइंट डिसलोकेट नहीं हो रहा है, इसने जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखी है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ जो आपके जॉइंट को स्टेबल बनाए रखी है वो है आपकी स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क, मैंने बताया था। इसके अलावा जो आपका कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट था, ठीक है, सो दिस टू थिंग्स, स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क एंड योर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, दे वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट, एंड देयरफॉर डिस्पाइट ऑफ बीइंग सच एन अनस्टेबल जॉइंट, दिस जॉइंट इस डजेंट डिसलोकेट, ये इतना ईजिली डिसलोकेट नहीं होता है सिर्फ इसी के कारण, और यही फंडे को हम बोलते हैं स्ट्रेस टॉलरेंस। इस तरीके से ये स्ट्रेस को टॉलरेट करता है, क्योंकि याद करो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क होती है ये आपके पूरे के पूरे अपर लिम की फोर्स को मीडियली डायरेक्टेड करते हुए आपके थोरैक्स में उतारने का काम करती है, और इसलिए तो हम पढ़ते हैं कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज द ओनली जॉइंट विच अटैचेस योर एक्सियल स्केलेटन विथ योर अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब होता है आपका अपर लिम, और एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है आपका थोरैक्स। ठीक है, तो देखो जहाँ से हमने चालू किया था वहाँ पे हमने आके ख़त्म कर दिया, और इसी स्ट्रेस टॉलरेंस के, इसी दो स्ट्रक्चर्स के कारण आपका जो ये जॉइंट है ये इतना ईजिली सबलेक्सेट या डिसलोकेट नहीं होता है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो चलो एज ए क्विक रिकैप, बिल्कुल एक क्विक रिकैप मारते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में। तो स्टर्नो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, शोल्डर जॉइंट सिर्फ एक जॉइंट से मिलके नहीं, चार जॉइंट से मिलके बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमने डिटेल में पढ़ा था स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर्व, मतलब इसका काम क्या है, तो क्या सर्व करती है ये, इट सर्व एज अ अटैचमेंट,
है ना, अटैचमेंट बिटवीन एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, याद रखना। सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको, प्लेन सनेबल जॉइंट था। थर्ड इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस, इसके बारे में हमने बात की थी, याद कर लो, सैडल थे, ऊपर का एंड एक्सपोज था, वहाँ पे इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच था, ठीक है, बिल्कुल फटाफट याद आना चाहिए चीज़ें, अभी कभी याद कर लो कि हमें पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बाद हमने क्या पढ़ा था, स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क के बारे में। डिस्क में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, डिस्क के फंक्शन क्या होते हैं, डिस्क के अटैचमेंट्स क्या होते हैं, और डिस्क बायस्ड, बायस्ड एग्जाम में मत लिख के आ जाना, ये सिर्फ याद रखने के लिए है, जिसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से मैनुब्रियम का और कब क्लेविकल का पार्ट फॉर्म करती है, ठीक है, ये तीन चीज़ हमने पढ़ी थी डिस्क के बारे में। फिर हमने पढ़ा था स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट्स एंड कैप्सूल, लिगामेंट्स में तीन थे, इंटरक्लेविकुलर, कॉस्टोक्लेविकुलर और स्टर्नोक्लेविकुलर, और कैप्सूल केवल एक थी। सो लिगामेंट्स, कैप्सूल और ये डिस्क, ये तीनों चीज़ें मिलके आपका क्या बनाती है, स्ट्रेस टॉलरेंस, ठीक है, जो हमने लास्ट में पढ़ा था स्टेबिलिटी वाला फंडा, ये तीनों चीज़ से मिलके आपको बनता है। और लास्ट एक चीज़ स्टर्नोक्लेविकुलर मोशंस, मोशंस में तीन थे रोटेशन वाले और तीन थे ट्रांसलेशन वाले। तो तीन रोटेशन वाले में कौन कौन से थे, तीन ट्रांसलेशन में पहले थे, देखो ट्रांसलेशन वाले देख लो, एंटीरियर पोस्टीरियर, मीडियल लेटरल, सुपीरियर इंफीरियर, ये थे ट्रांसलेटरी। और रोटेटरी में जो तीन थे वो ये थे, एलिवेशन डिप्रेशन, है ना, इसके अलावा प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन और फॉरवर्ड रोटेशन बैकवर्ड रोटेशन। सो इस तरीके से आपका ये होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पूरा खत्म, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। तो मैं आपको सिर्फ नोट्स की इमेजेस दिखा देता हूँ, तो आप लोग उसकी जिसको ज़रा क्लिक कर लो उस नोट्स की इमेजेस को, और ये हमारा पूरा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट खत्म हुआ। ओके तो चलो मैं फटाफट नोट्स की इमेजेस बता देता हूँ, यू जस्ट सेव इट। जो हमने पूरा पढ़ा ये उसकी इमेजेस है, आप उसको लिख लेना तो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट पेज ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स जो हमने पढ़ा आज, फिर ये ऐड कर लो, आज ये भी पढ़ा हमने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में, फिर ये देखो ये डिस्क उसका डायग्राम ऊपर दिया हुआ है, कैप्सूल, लिगामेंट्स, मोशंस, और लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो था ये वाला पार्ट आपका स्ट्रेस टॉलरेंस। सो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ शोल्डर, वी हैव कवर्ड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ओके सो थैंक्स एवरीवन।